फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं आशा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए क्या हूँ यहाँ पे आहूजा का डीजे सेटअप। ये दोस्तों पिछले वाले से काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे पार्ट टू लेके आने वाला हूँ। ये है दोस्तों पार्ट टू, और यहाँ पे आपको इस सेटअप में मिलता है 2 डबल 18 के बेस और 2 डबल 15 के टॉप, जो कि बहुत ही तगड़े होने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आहूजा के आपको एम्पलीफायर मिक्सर और क्रॉसओवर मिलने वाले हैं, तो मज़ा बहुत आने वाला है वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं बता रहा था, यहाँ पे आपको एक डीजे सेटअप मिलने वाला है आज की इस वीडियो में, जो कि ये आहूजा कंपनी का होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे टॉप और बेस की, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे टॉप दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों 15 टॉप, जिसमें आपको यहाँ पे 650+650 वाट का स्पीकर मिल जाता है। यहीं पर जो कि HF होने वाला है, वो यहाँ पे 100 वाट का HF होने वाला है। बहुत ही अच्छी क्लियर आउटपुट आपको मिलने वाली है। अभी बाकी तो टेस्टिंग जो है, आप जब टेस्टिंग पे देखेंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा किस चीज़ की मैं बात करने वाला हूँ। और यहाँ पे अगेन आपको आहूजा की ब्रांडिंग मिल जाती है। ग्रिल का गेज आप दे सकते हैं यहाँ पे, क्वालिटी पाउडर कोटेड यहाँ पे ग्रिल आपको देखने को मिल जाती है। हर एक चीज़ यहाँ पे फिनिश्ड आउट दे सकते हैं यहाँ पे। इसका मॉडल नंबर की बात करूँ तो ये है दोस्तों SPX 1510, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डिटेलिंग में सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये साइड हैंडल हो जाता है, ये भी पूरा CNC यहाँ पे फिटेड साइड हैंडल आपको मिलता है। बाकी पेंट फिनिश की मैं बात करूँ तो दोस्तों ये पेंट फिनिश जो है वो वाटरप्रूफ प्लस यहाँ पे डस्ट प्रूफ है। आप छोटा सा कपड़ा यहाँ पे लेके साफ कर सकते हैं, बहुत ईजिली यहाँ पे साफ हो जाता है। इस तरीके का पेंट का क्वालिटी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके बैक लुक के, यानी बैक पैनल की, तो यहाँ पे आपको 2 स्पीकर सॉकेट्स मिलते हैं। एक से आप इनपुट कर सकते हैं, दूसरे से आप यहाँ पे आउटपुट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको आहूजा की ब्रांडिंग और मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन है। इसके कनेक्शन भी जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। टोटल अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स की पावर की बात करूँ तो ये 1300 वाट जो है वो बन जाता है, जो कि यहाँ पे भी मेंशन है, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्वालिटी या फिर मजबूती की बात करूँ तो अगेन यहाँ पे हर एक जॉइंट्स पे यहाँ पे देख सकते हैं एल पत्ती का काम करा गया। अगेन आहूजा है तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, यहाँ पे क्वालिटी जो है वो पूरी टॉप नॉच रहती है। क्वालिटी में कोई समझौता नहीं होता यहाँ पे। तो ये तो हो जाता है टॉप। फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करूँ तो 45 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी भी ये टॉप जो है करता है। यहीं अगर मैं इसके SPL की बात करूं तो 134 dB यहाँ पे जो है वो मेंशन करा गया है। एक पूरा टॉप यहाँ पे दोस्तों ये 4 ohms का हो जाता है, क्योंकि इसको पैलरी कनेक्ट करा है, तो ये 4 ohms का आपको टॉप देखने को मिलता है। तो ये तो हो जाती है हमारे 15 टॉप के। अभी मैं आपको यहाँ पे बेस की भी डिटेल बताता हूँ। तो अभी तो आपने देखा है यहाँ पे 15 टॉप कैसे है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आहूजा की बेस, जो कि ये मॉडल है। ये है SWX2100 यानी 2100, और दोस्तों ये 2000 वाट मैसिव सी पावर लेके साथ में आता है। आहूजा की यहाँ पे आपको अगेन ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। ग्रिल का गेज काफ़ी अच्छा है भाई, हाँ फील होता है जब भी आप इस बेस को उठाते हैं तो लगता है कि भाई हाँ हमने कुछ पकड़ा है, काफ़ी रफ एंड टफ यहाँ पे फील आता है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो साइड में भी आपका आहूजा की यहाँ पे ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। ओवरऑल यहाँ पे ग्रूव्स बना रखे हैं, ऊपर की साइड पर पेंट फिनिश आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे टॉप में करा गया वही यहाँ पे फिनिश रखा गया। वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ आप सिंपली साफ इसको कर सकते हैं। बाकी एल पत्ती का काम यहाँ पे करा गया, जो कि इसकी मजबूती को और यहाँ पे इनहेंस करता है। यहाँ पे 2 हैंडल्स आपको इस साइड में मिल जाते हैं, 2 हैंडल्स जो है वो आपको आपके इस साइड पे भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बाकी आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे डेप्थ के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें भी आपको दोस्तों यहाँ पे इनपुट आउटपुट्स में देख लीजिए, 2 ही सॉकेट जो वो मिलते हैं, एक इनपुट एक आउटपुट आपको देखने को मिलता है। 2000 वाट यहाँ पे इसके RMS पावर यहाँ पे मेंशन करी गई है। ओवरऑल यहाँ पे कनेक्शंस भी जो आपको देखने को मिल जाते हैं। अगेन ये जो सबवूफर है ये भी दोस्तों यहाँ पे 4 ohms पे वर्क कर रहा है, 4 ohms पे यानी 2000 वाट जो आपको मिल जाता है। और ओवरऑल यहाँ पे रफ एंड टफ डिज़ाइन है, रफ एंड टफ क्वालिटी आपको देखने को मिलता है दोनों के ही साथ में। और चलिए मैं भी आपको यहाँ पे एम्पलीफायर्स भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एम्पलीफायर क्रॉसओवर मिक्सर की, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा ये एम्पलीफायर्स, जो कि इस सेटअप में आपको 2 एम्पलीफायर्स मिलते हैं। ये भी अगेन आहूजा ब्रांड्स के आपको देखने को मिल जाते हैं। ये है दोस्तों LXA 4500, जो कि हमारे 15 टॉप के लिए यहाँ पे अगेन ये ड्यूल चैनल एम्पलीफायर है। एक चैनल पर आपको जो कि आउटपुट मिलता है वो 1550 वाट 4 ohms मिल जाता है, जो कि अगेन आप सभी को मालूम है कि हमारे टॉप और बेस यहाँ पे 4 ohms पे ही रन कर रहे हैं, यानी स्टेबल पर रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चैनल पे एक टॉप, दूसरे चैनल पे दूसरा टॉप। अगेन यहाँ पे इंडिकेटर्स भी सारे आपको मिल जाते हैं, ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन है, ग्रिल्स आपको मिल जाती है वेंटिलेशन के लिए, जस्ट उसके नीचे है। ये है दोस्तों सबसे ज्यादा पावरफुल, अगेन डिमांडेबल काफी ज्यादा है इस एम्पलीफायर का, क्योंकि जो इसकी बेस की क्वालिटी है उसका परफॉर्मेंस है वो अगेन नेक्स्ट लेवल आपको देखने को मिलता है। LXA 6000 ये भी ड्यूल चैनल है, इस पर भी एक बेस, इस पर भी दूसरी बेस, यानी चैनल 1 चैनल 2 पे एक एक बेस जो वो डाली गई है। ओवरऑल ये हो जाता है दोनों ही 3 ओ के साइज में आपको देखने को मिलते हैं। जस्ट उसके ऊपर है ये है आहूजा का,
ACX202 क्रॉसओवर, जो कि टू चैनल यहाँ पे क्रॉसओवर है। अगेन ये बेस यहाँ से जो है वो कनेक्शन जो है करेंगे, ये इनपुट से जाता है, ये इसका फ्रिक्वेंसी है, ये आउटपुट जो है वो आपको नोब देखने को मिलता है। तो ये तो हो जाता है क्रॉसओवर। अभी मैं आपको एम्पलीफायर का बैक साइड भी जो है वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये है एम्पलीफायर का बैक साइड। इसमें आपको इनपुट आउटपुट सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। जब उसके बीच में आपको ये जो है चैनल आपको स्टूडियो करना है, ब्रिज करना है या मोनो करना है, तो यहाँ से आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। सेंसिटिविटी हो जाता है, ग्राउंड ऑन ऑफ है, यहाँ पे लिमिटर का ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन देखने को मिलता है। जब उसके नीचे आपको इनबिल्ट क्रॉसओवर भी इसके साथ में मिल जाता है। इफ़ एनी केस के अगर आपको यहाँ पे बिना क्रॉसओवर के साथ में इसको रन करना है या फिर क्रॉसओवर चलाना नहीं आता, तो कंपनी ने इस बात का ध्यान रखा है कि इनबिल्ट क्रॉसओवर आपको दे दिया। सेम ऐसी पैटर्न यहाँ पे भी जो इस्तेमाल में ले रखा है। दूसरी बड़ी चीज़, यहाँ पे एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, इसकी ओरिजिनलिटी की पहचान के लिए ये वाला स्टिकर जो कि आपको इसके बॉक्स पैकिंग पे भी मिलेगा, साथ ही साथ एम्पलीफायर भी मिलेगा। आप इसको स्कैन करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं, यानी इस प्रोडक्ट को जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि ओरिजिनल है या नहीं। अगेन काफ़ी बड़ा नाम है, काफ़ी पुराना नाम है, जाहिर सी बात है मार्केट में डुप्लीकेसी होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट इनके ही होते हैं। तो ये तो हो जाता है एम्पलीफायर और क्रॉसओवर। अभी मैं आपको मिक्सर दिखा देता हूँ। यह है आहूजा का प्रो मिक्स 1442। अगेन ये हो जाता है 14 चैनल यानी 14 चैनल का मिक्सर, काफ़ी ज़्यादा एडवांस के साथ में आता है। हर एक फीचर आपको इसके साथ में मिलते हैं, या कह सकते हैं कि हाँ भाई आप बड़े बड़े मिक्सर से भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे कंपेयर करना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो प्राइस है ना बहुत अच्छा है, अच्छे प्राइस के साथ में आता है। तो ये आपको एक मिक्सर मिल जाता है। ओवरऑल ये सारा सेटअप हो जाता है कंप्लीट, दो बेस दो टॉप। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक मज़ेदार सी टेस्टिंग, चलिए देख लीजिए।
दोस्तों कैसे लेके टेस्ट हो, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, इस सेटअप का जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अगेन जब यहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट आ जाता है तो क्वालिटी अपने आप बनती है, क्वालिटी वाले मटेरियल के साथ पे आपको क्वालिटी ही मिलेगा। बेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पंची सा, और यहाँ पे एक होता है ना कि भाई दूर तक फील हो रहा है बेस का, वो वाली चीज़ आ रही थी। अगर अगर आप देखेंगे टेस्टिंग में तो दूर से भी मैंने एक टेस्टिंग करी है, काफ़ी दूर तक आपको यहाँ पे फील होगा। तो ये सारी जो है वो चीज़ें जब मिलती हैं एक दूसरे से, क्वालिटी वाले आउटपुट मिलता है। अगेन यहाँ पे एक बार मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, जो कि आपको दो एम्पलीफायर्स मिलते हैं, एक है एलेक्से 4500, एलेक्से 6000। यहीं पर अगर मैं बात करूँ डबल 15 टॉप है, डबल 18 की यहाँ पर आपको बेस मिल जाती है। अगेन इनकी जो क्वालिटी है प्लाईवुड के साथ बनते हैं, 18 mm का प्लाईवुड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे पेंट फिनिश मैं आपको दिखा चुका हूँ। ओवरऑल क्वालिटी वाइज आप सभी को मालूम है, आहूजा का जब नाम आ जाता है तो क्वालिटी अपने आप मेंटेन होता है। बाकी यहाँ पे बात करेंगे इनको परचेज करने के लिए अवेलेबिलिटी, तो आपके ये नियरेस्ट डीलर्स पे भी मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक नंबर मैं शो कर रहा हूँ आहूजा का, ये व्हाट्सअप नंबर है, तो आप यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं अपने डीलर या फिर प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में। और दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ उससे अच्छी वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।